हनुमान जी को जल्द प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ किया जाता है और इस पाठ को करने वाले व्यक्ति के जीवन में खुशियों का संचार होने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुंदरकांड के पाठ को करने से क्या लाभ होते हैं और इसका धार्मिक महत्व क्या है? हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुटाचल पर्वत यानी यहाँ तीन पर्वत थे। पहला सुवेल पर्वत जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था, दूसरा नील पर्वत जहाँ राक्षसों के महल बसे हुए थे, और तीसरे पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत जहाँ अशोक वाटिका थी। इसी वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई थी। इस कांड की यही सबसे प्रमुख घटना थी, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम सुंदरकांड को आसान शब्दों में संक्षिप्त में जानेंगे और इस वीडियो के अंत में इसके पाठ को करने से होने वाले लाभ के बारे में भी जानेंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस कल्याणकारी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। श्री रामचरितमानस में 7 अध्याय हैं। इन 7 अध्यायों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने राममय होकर अपनी लेखनी से बखूबी वर्णन किया है। हनुमान जी के दिव्य और संकटमोचन चरित्र का दर्शन भी श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में परिलक्षित होता है। श्री रामचरितमानस का पंचम सोपान सुंदरकांड है। इस सोपान में 3 श्लोक, 2 छंद, 58 चौपाई, 60 दोहे और लगभग 6,247 शब्द हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम सभी सुंदरकांड को अर्थ सहित समझने का प्रयास करते हैं। जामवन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी को अपने मन में वे विचार बहुत अच्छे लगे और हनुमान जी ने कहा, हे भाइयों, आप लोग कंद मूल व फल खाकर समय बिताना और तब तक मेरी राह देखना जब तक कि मैं सीता जी का पता लगाकर लौट ना आऊं। जब मैं सीता जी को देखकर लौट आऊंगा तब कार्य सिद्ध होने पर मन को बड़ा हर्ष होगा। यह कहकर और सबको नमस्कार करके श्री रामचंद्र जी का हृदय में ध्यान धरकर प्रसन्न होकर हनुमान जी लंका जाने के लिए चल देते हैं। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पहाड़ था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर चढ़ गए। फिर बारंबार रामचंद्र जी का स्मरण करके बड़े पराक्रम के साथ हनुमान जी ने गर्जना की। जिस पहाड़ पर हनुमान जी ने पांव रखे थे वह पहाड़ तुरंत पाताल के अंदर चला गया और जैसे श्री रामचंद्र जी का अमोघ बाण जाता है ऐसे ही हनुमान जी वहां से लंका की ओर चले गए। समुद्र ने हनुमान जी को श्री राम का दूत जानकर मैनाक नामक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला बन, इनको ठहरा कर श्रम मिटाने वाला हो, यानी कि अपने ऊपर इन्हें विश्राम करने दो। समुद्र के वचन कानों में पड़ते ही मैनाक पर्वत वहां से तुरंत ऊपर को उठ गया जिससे हनुमान जी उस पर बैठकर थोड़ी देर आराम कर सकें। और हनुमान जी के पास आकर बारंबार हाथ जोड़कर उसने हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने उसको अपने हाथ से छुआ, फिर उसको प्रणाम किया और कहा कि रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझको विश्राम कहा, यानी कि जब तक मैं श्री राम का कार्य ना कर लूं तब तक मुझे आराम नहीं मिल सकता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा और उनके बल और बुद्धि वैभव को जानने के लिए देवताओं ने नाग माता सुरसा को भेजा। उस नाग माता ने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज तो मुझको देवताओं ने यह अच्छा आहार दिया। यह बात सुनकर हंसकर हनुमान जी बोले, मैं रामचंद्र जी का काम करके लौट आऊं और सीता जी की खबर रामचंद्र जी को सुना दूं। फिर हे माता, मैं आकर आपके मुंह में प्रवेश करूंगा, अभी तुम मुझे जाने दो, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जब सुरसा ने किसी उपाय से उनको जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा कि तुम देर क्यों करती हो, तुम मुझको नहीं खा सकती। सुरसा ने अपना मुंह एक योजन भर में फैलाया, यानी कि 4 कोस। हनुमान जी ने अपना शरीर उससे दूना, यानी 2 योजन विस्तार वाला कर लिया। सुरसा ने अपने मुंह 16 यानी 16 योजन में फैला लिया।
इसके बाद हनुमान जी ने अपना शरीर तुरंत 32 योजन बढ़ा लिया। सुरसा ने जैसे जैसे मुख का विस्तार बढ़ाया, जैसा जैसा मुंह फैलाया, हनुमान जी ने वैसे ही अपना स्वरूप उससे दुगना कर लिया। जब सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन यानी कि 400 कोस्ट में फैलाया, तब हनुमान जी तुरंत बहुत छोटा स्वरूप धारण कर लिया। छोटा स्वरूप धारण कर हनुमान जी सुरसा के मुंह घुसकर तुरंत बाहर निकल आए। फिर सुरसा से विदा मांगकर हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया। उस समय सुरसा ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, देवताओं ने मुझे जिसके लिए भेजा था वह तुम्हारे बल और बुद्धि का भेद मैंने अच्छी तरह पा लिया है। तुम बल और बुद्धि के भंडार हो, सो श्री रामचंद्र जी के सब कार्य सिद्ध होंगे। ऐसा आशीर्वाद देकर सुरसा तो अपने घर को चली गई और हनुमान जी प्रसन्न होकर लंका की ओर चल दिया। समुद्र के अंदर एक राक्षस रहता था। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षी और जंतुओं को पकड़ लिया करता था। जो जीव जंतु आकाश में उड़कर जाता, उसकी परछाई जल में देखकर परछाई को जल में पकड़ लेता था, जिससे वह जीव जंतु फिर वहां से सरक नहीं पाता था। इस तरह वह हमेशा आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं को खाया करता था। उसने वही कपट हनुमान जी से करने का प्रयास किया। हनुमान जी ने उसका वह छल तुरंत पहचान लिया। धीर बुद्धि वाले पवन पुत्र वीर हनुमान जी उसे मारकर समुद्र के पार उतर गए। वहां जाकर हनुमान जी वन की शोभा देखते कि भवरे मधु से लोभ से गुंजार कर रहे हैं। अनेक प्रकार के वृक्ष फल और फूलों से शोभायमान हो रहे हैं। पक्षी और हिरणों का झुंड देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। वहां सामने हनुमान जी एक बड़ा विशाल पर्वत देखकर निर्भय होकर उस पहाड़ पर कूदकर चढ़ बैठे। पहले तो वह बहुत ऊंची है, फिर उसके चारों ओर समुद्र की खाई, उस पर भी ससोने के परकोटे यानी कि चार दीवारी का तेज प्रकाश कि जिससे नेत्र चकाचौंध हो जाएं। उस नगरी का रत्नों से जड़ा हुआ स्वर्ण का कोट अतिव सुंदर बना हुआ है। चौहटे, दुकानें व सुंदर गलियों के बाहर उस सुंदर नगरी के अंदर बनी है, जहां हाथी, घोड़े, खच्चर, पैदल व रथों की गिनती कोई नहीं कर सकता, और जहां महाबली अद्भुत रूप वाले राक्षसों की सेना के झुंड इतने हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जहां कहीं विकट शरीर वाले करोड़ों भट चारों तरफ से नगरी की रक्षा करते हैं, और कहीं वे राक्षस लोग भैंसे, मनुष्य, गौ, गधे, बकरे और पक्षियों को खा रहे हैं। राक्षस लोगों का आचरण बहुत बुरा है, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने इनकी कथा बहुत संक्षेप से कही है। हनुमान जी ने बहुत से रखवालों को देखकर मन में विचार किया कि मैं छोटा रूप धारण करके नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर लेते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम का सुमिरन करते हुए लंका में प्रवेश करते हैं। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। हनुमान जी की भेंट उस राक्षसी से होती है। वह पूछती है कि मेरा निरादर करके तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर हैं, वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी उसे एक घूसा मारते हैं, जिससे वह पृथ्वी पर लुढ़क जाती है। वह राक्षसी लंकिनी अपने को संभाल कर फिर उठती है और डर के मारे हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहती है, जब ब्रह्मा ने रावण को वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने राक्षसों के विनाश की यह पहचान मुझे बताई थी। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए, तो भी यह सब सुख मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा रघुनाथ को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए अर्थात जिसके मन में श्री राम का स्मरण रहता है, विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, जिसे राम ने एक बार कृपा करके देख लिया, उसके लिए सुमेरु पर्वत रज के समान हो जाता है। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की,
जहां तक असंख्य योद्धा दिखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता था। हनुमान जी ने महल में रावण को सोया हुआ देखा। वहां भी हनुमान जी ने सीता जी की खोज की, लेकिन सीता जी उस महल में कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर उन्होंने एक सुंदर महल देखा। उस महल में भगवान का एक मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम के आयुष धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती थी। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित होते हैं और उन्होंने सोचा कि यह लंका नगरी तो राक्षसों के कुल की निवास भूमि है, राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहां सत्पुरुषों के रहने का क्या काम। इस तरह हनुमान जी मन ही मन में विचार करने लगे। इतने में विभीषण की आंखें खुल जाती हैं और जागते ही उन्होंने राम राम ऐसा स्मरण किया तो हनुमान जी ने जाना कि यह कोई सत्पुरुष हैं। इस बात से हनुमान जी को बड़ा आनंद हुआ। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे जरूर पहचान करनी चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों के हाथ कभी कार्य की हानि नहीं होती, बल्कि लाभ ही होता है। फिर हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके वचन सुनाया तो वह वचन सुनते ही विभीषण उठकर उनके पास आते हैं और प्रणाम करके कुशल पूर्वक पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देव, जो आपकी बात हो सो हमें समझा कर कहिए। विभीषण ने कहा कि क्या आप हरि भक्तों में से कोई एक हैं, क्योंकि मेरे मन में आपकी ओर बहुत प्रीति बढ़ती जाती है। आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, अथवा मुझको बड़भागी करने के वास्ते भक्तों पर अनुराग रखने वाले आप साक्षात दिन बंधु ही तो नहीं पधार गए हैं। विभीषण के ये वचन सुनकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सब कथा विभीषण से कही और अपना नाम बताया। विभीषण कहते हैं कि हे हनुमान जी, हमारी रहनी हम कहते हैं सो सुनो। जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है, ऐसे हम इन राक्षसों के बीच में रहते हैं। हे तात, वे सूर्य कुल के नाथ मुझको अनाथ जानकर कभी कृपा करेंगे, जिससे प्रभु कृपा करें ऐसा साधन तो मेरे हैं ही नहीं, क्योंकि मेरा शरीर तो तमुगुणी राक्षस है और ना कोई प्रभु के चरण कमलों में मेरे मन की प्रीति है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझको इस बात का पक्का भरोसा हो गया है कि भगवान मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे, क्योंकि भगवान की कृपा बिना सत्पुरुषों का मिलाप नहीं होता। रामचंद्र जी ने मुझ पर कृपा की है, इसी से आपने आकर मुझको दर्शन दिए हैं। विभीषण की यह वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण सुनो, प्रभु की यह रीति है कि वे सेवक पर परम प्रीति किया करते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि कहो मैं कौन सा कुलीन पुरुष हूँ, हमारी जाति देखो, जो महाचंचल और सब प्रकार से हीन गिनी जाती है। जो कोई पुरुष प्रातःकाल हमारा नाम ले लेता है तो उसे दिन खाने को भोजन नहीं मिलता। हे सखा सुनो, मैं ऐसा अधम नीच हूँ, तिस पर भी रघुवर ने कृपा कर दी, तो आप तो सब प्रकार से उत्तम हैं। आप पर कृपा करें, इस बात में क्या बड़ी बात है। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण करने से दोनों के नेत्रों में आंसू भर आते हैं। जो मनुष्य जानते बूझते ऐसे स्वामी को छोड़ बैठते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस तरह रामचंद्र जी के परम पवित्र व कानों को सुख देने वाले गुण समूहों को कहते कहते हनुमान जी ने विश्राम लिया। उन्होंने परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण ने हनुमान जी से वह सब कथा कही कि सीता जी किस जगह जिस तरह से रहती थी। तब हनुमान जी ने विभीषण से कहा, हे भाई सुनो, मैं सीता माता को देखना चाहता हूँ, सो मुझे उपाय बताएं। हनुमान जी के यह वचन सुनकर विभीषण ने वहां की सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विभीषण से विदा लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर वैसा ही छोटा सा स्वरूप धरकर हनुमान जी वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहा करती थी। हनुमान जी ने सीता जी का दर्शन करके उनको मन ही मन प्रणाम किया और बैठे। इतने में एक प्रहर रात्रि बीत गई। हनुमान जी सीता जी को देखते हैं तो उनका सिर तो बहुत दुबला हो रहा है, सर पर लटों की एक वेड़ी बंधी हुई है और अपने मन में श्री राम के गुणों का जाप कर रही है और अपने पैरों में दृष्टि लगा रखी है। मन
रामचंद्र जी के चरणों में लीन हो रहा है। सीता जी की यह दीन दशा देखकर हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। हनुमान जी वृक्षों के पत्तों की ओट में छुपे हुए हैं, मन में विचार करने लगे कि हे भाई, अब मैं क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को संग लिए रावण वहां आया। जो स्त्रियां रावण के संग थी वे बहुत प्रकार के गहनों से बनी ठनी थी। उस दुष्ट ने सीता जी को अनेक प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद अनेक प्रकार दिखाए। रावण ने सीता जी से कहा कि हे सुखमुखी, जो तुम एक बार भी मेरी तरफ देख लो तो हे सयानी मंदोदरी आदि सब रानियों को तुम्हारी दासियां बना दूं, यह मेरा प्रण जान लो। रावण का वचन सुनकर बीच में तृण रखकर परम प्यारे रामचंद्र जी का स्मरण करके सीता जी ने रावण से कहा, हे रावण सुनो, खगोत अर्थात जुगनू के प्रकाश से कमलिनी कदापि प्रफुल्लित नहीं होती, किंतु कमलिनी सूर्य के प्रकाश से प्रफुल्लित होती है। अर्थात तुम जुगनू के समान हो और रामचंद्र जी सूर्य के समान। सीता जी ने अपने मन में ऐसे समझकर रावण से कहा कि रे दुष्ट, रामचंद्र जी के बाणों को अभी तुम भूल गए हो क्या? वह रामचंद्र जी का बाण याद नहीं है। अरे निर्लज, अरे अधम, रामचंद्र जी के सूने तू मुझको ले आया, तुझे शर्म नहीं आती? सीता जी के मुख से कठोर वचन सुनकर अपने को खगोत के तुल्य और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ, जिसने उसने तलवार निकालकर बड़े गुस्से से आकर ये वचन कहे, हे सीता, तूने मेरा मान भंग कर दिया है, इस वास्ते इस कठोर खड़क से मैं तेरा सिर उड़ा दूंगा। हे सुमुखी, या तो तू जल्दी मेरा कहना मान ले, नहीं तो तेरा जी जाता है। रावण की ये वचन सुनकर सीता जी ने कहा, हे सठ रावण सुनो, मेरा भी तो क्या ऐसा पक्का प्रण है कि या तो इस कंठ पर श्याम कमलों की माला के समान सुंदर और हाथियों के सुंड के समान रामचंद्र जी की भुजा रहेगी, या तेरी यह भयानक तलवार, अर्थात रामचंद्र जी के बिना मुझे मरना मंजूर है, पर अन्य का स्पर्श नहीं करना है। सीता जी उस तलवार से प्रार्थना करती हैं कि हे तलवार, तू मेरे संताप को दूर कर, क्योंकि मैं रामचंद्र जी की विरह रूप अग्नि से संतृप्त हो रही हूँ। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, तेरी शीतल धारा से मेरे भारी दुखों को दूर कर। सीता जी के ये वचन सुनकर रावण फिर सीता जी को मारने को दौड़ता है। तब मैं दैत्य की कन्या मंदोदरी ने नीति के वचन कहकर उसको समझाया। फिर रावण ने सीता जी की रखवारी सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि तुम जाकर सीता को अनेक प्रकार से भय दिखाओ। उधर तो रावण ने अपने भवन के भीतर गया, इधर वे नीच राक्षसियों के झुंड अनेक प्रकार के रूप धारण करके सीता जी को भय दिखाने लगते हैं। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। वह रामचंद्र जी के चरणों की परम भक्त और बड़ी निपुण विवेकवती थी। उन्होंने सभी राक्षसियों को अपने पास बुलाकर जो उनको सपना आया था वह सबको सुनाया और उनसे कहा कि हम सबकी सीता जी की सेवा करके अपना हित कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने सपने में देखा है कि एक बानर ने लंकापुरी को जलाकर राक्षसों की सारी सेना को मार डाला और रावण गधे पर सवार है। वह भी कैसा कि नग्न शरीर, सिर मुंडा हुआ और 20 भुजाएं टूटी हुई। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और मैंने सपने में यह भी देखा कि मानो लंका का राज विभीषण को मिल गया है और नगर में रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है। तब रामचंद्र जी ने सीता जी को बुलाने के लिए बुलावा भेजा है। त्रिजटा कहती हैं, मैं आपसे यह बात खूब सोच समझकर कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिन बीतने के बाद सत्य हो जाएगा। त्रिजटा के यह वचन सुनकर सब राक्षसियां डर गईं और डर के मारे सब सीता जी के चरणों में गिर पड़ी। फिर सब राक्षसियां मिलकर जहां तहां चली गईं। तब सीता जी अपने मन में सोच करने लगी कि एक महीना बीतने के बाद यह नीच राक्षस मुझे मार डालेगा। फिर त्रिजटा के पास हाथ जोड़कर सीता जी ने कहा कि हे माता, तुम मेरी सच्ची विपत्ति की संगिनी हो। सीता जी कहती हैं कि जल्दी उपाय कर, नहीं तो मैं अपना देह त्याग दूंगी, क्योंकि अब मुझसे अति दुखद विरह का दुख सहा नहीं जाता।
हे माता, अब तो जल्दी काठ ला और चिता बनाकर मुझको जलाने के वास्ते जल्दी उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति सत्य कर, रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के ऐसे सूल के समान महाभयानक वचन सुनकर त्रिजटा ने तुरंत सीता जी के चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप, बल और उनका सुयश सुनाया और सीता जी से कहा कि हे राजपुत्री, हे सुकुमारी, अभी रात्रि है, इसलिए अभी आग नहीं मिल सकती। ऐसा कहकर वह वहां से अपने घर को चली जाती हैं। सीता जी चंद्रमा को देखकर कहती हैं कि यह चंद्रमा का स्वरूप अग्नि में दिख पड़ता है, पर यह भी मानो मुझको मंदभागिन जानकर आग को नहीं बरसाता। अशोक के वृक्ष को देखकर उनसे प्रार्थना करती हैं कि हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनकर तू अपना नाम सत्य कर, अर्थात मुझे अशोक अर्थात शोक रहित कर, मेरे शोक को दूर कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, तुम मुझको अग्नि देकर मुझको शांत करो। इस प्रकार सीता जी को विरह से अत्यंत व्याकुल देखकर हनुमान जी का वह एक क्षण कल्प के समान बीत गया। तो दोस्तों, इस तरह यह भाग समाप्त होता है। अगले भाग में हम जानेंगे सीता जी का अंगूठी को देखना और हनुमान जी का वानरों के साथ लंका को जाना। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ। धन्यवाद।